मुझे बहुत टेंशन देता, तो मुझे कुछ हुआ था तो मैं डॉक्टर राकेश बजे घाटों पर में उनको मिला। उनसे कंसल्ट करके मैं यहाँ साई हॉस्पिटल में आया। ओपीडी सब किया पहले मेरा, फिर इधर मेरा ऑपरेशन किया। ऑपरेशन इतना सक्सेस है, अभी जब मैं इंटरव्यू दे रहा बोल रहा हूँ, मेरे ऑपरेशन के बाद का ये चौथा पांचवा दिन है, ज्यादा दिन है। और ये इंटरव्यू देने के लिए मैं मेरे रूम से कल के अकेला आया हूँ। मेरे घर वाले कोई नहीं, सब घर पे शांति से सोए हुए हैं। और मेरे को यहाँ का स्टाफ डॉक्टर खाली से थे, इनका प्यार, उनका जो आशीर्वाद है, हाथ घुमाते हैं, अच्छा लगता है। इनका स्टाफ भी और अच्छा है। स्टार्टिंग में मुझे स्टाफ थोड़ा कड़क लगा, मैं बोलने वाला था, लेकिन उसके बाद जो मजा आई है ना, वो छोटा सा अकरम वर्ल्ड है, उसका मुंह देखेंगे तो लगेगा कितना कड़क आदमी है, लेकिन वो आदमी भी सारा अच्छा आदमी निकला, मस्त आदमी। वो भी अच्छी सेवा करता है, वर्ल्ड वाइड अच्छे डॉक्टर से टीम अच्छी, इनकी टीम बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया लोग है। नर्स से लेकर सब लोग अच्छे हैं। ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है साई क्लिनिक का। मैं घाटों पर रहता हूँ, घाटों पर भी हर गली में तीन क्लिनिक है। मैं इधर घूमने आया, मेरी वाइफ देखते गई, फिर मुझे फंड का भी प्रॉब्लम था, उस पीएम फंड से मुझे 1 लाख रुपया मिला, सिद्धिविनायक ट्रस्ट से मुझे 25,000 मिला। वो सब फंड जमा करके मेरे यहाँ पर ट्रीटमेंट कराए। चौथे पाँचवें दिन में मैं खड़ा हो गया हूँ, कल दिन और परसों मेरे को छुट्टी मिलने वाली है। अब इससे ज़्यादा मैं क्या एक्सेप्ट कर सकता हूँ लोग से, जो मैंने गलतियाँ की है 7 दिनों मेरे को सुधार दी। ये वीडियो बनाने की सबसे बड़ी रीजन ये रही, मैं सुबह राउंड पे गया था, ये मुझसे खुद से कहते हैं कि मुझे कोई भी पेशेंट मिले कैंसर का या कैंसर का, तो मैं खुद बात करना चाहता हूँ। उसकी वजह यह है कि मेरी जो गलतियाँ हुई, मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई दूसरा इस तरह की गलती करे और उससे वो प्रिकॉशन ले। तो ये जो वीडियो बना रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इनके कहने पे, पेशेंट के कहने पे, और डॉक्टर राकेश बड़े ने इनका ऑपरेशन किया है। बहुत ही अच्छे कैंसर के डॉक्टर हैं और बहुत ही इकोनॉमिकल है। इनको साई हॉस्पिटल की तरफ से, सीएम फंड की तरफ से 1 लाख रुपये की मदद हुई है, सिद्धि विनायक की तरफ से 25,000 की मदद हुई, तो बड़े इकोनॉमिकल रेट में और पेशेंट का